بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। डियर स्टूडेंट, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अब ये थर्ड लेक्चर है जिसमें है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बेसिकली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड इन 1886 एंड देयर प्रॉपर्टीज वर कंप्लीटली डिटरमिन्ड टिल 1895। देन इट वाज वेरी स्ट्रेंज टू नोट अप टू 1932 it was thought that an atom was composed of only electron and proton। mean जो हमारे पास matter था atom का, उसको हम कहते थे कि वो दो चीज़ों पर ही मुश्तमिल है, electron और proton पर। proton हम कहते थे कि nucleus में मौजूद हैं जबकि electron orbits में move कर रहे हैं। Rutherford predicted in 1920 that some kind of neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an atom। तो रदरफोर्ड ने एक नज़रिया दिया 1920 में कि प्रोटॉन के अलावा भी न्यूक्लियस में एक चीज़ मौजूद है जो कि न्यूट्रल नेचर है और उसका मास इक्विवेलेंट है किसके, प्रोटॉन के। Because he noticed that atomic mass of atom could not be explained if it were supposed that atom have only electron and proton। क्योंकि जब हम उसको जमा करते थे mass of electron और proton, ठीक है, तो total mass के ये बराबर नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि फिर कोई और भी उसके अंदर चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये mass equivalent नहीं आ रहा। तो उसने ये आइडिया एक दे दिया कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन के क्या है, बराबर है। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932 एंड अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1935। तो फिर इसी चीज़ को लेके चैडविक साइंटिस्ट आया जिसने 1932 में ये क्या दिया, इसको बकायदा डिस्कवर कर दिया बाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यूज़ करके। और इसी ही इम्पोर्टेंस पॉइंट पे इसको फिर 1935 में नोबल प्राइज अवार्ड किया गया। एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इस स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पोलोनियम सोर्स वाज डायरेक्टेड एट बेरिलियम टारगेट। ये एक डायग्राम और एक वीडियो दोनों में वन बाय वन देखते हैं कि उसने क्या किया कि ये अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बेसिकली ये होता है, इसको हमने स्ट्राइक करवाया बेरिलियम पे। बेरिलियम क्या है, 4-9 मेटल पे। तो इससे क्या हुआ, कार्बन और साथ ही एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ। कैसे, इट वाज नोटिस डैट सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस, दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन बिकॉज द चार्ज डिटेक्टर शोन देम टू बी न्यूट्रल। क्योंकि जो चार्ज डिटेक्टर हमने लगाया था जिसने पहले पॉजिटिव या नेगेटिव डिटरमिन किया, उस पर उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो जिससे हमने कहा इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। हुआ क्या,
कि ये हमने लेड ब्लॉक लिया और यहाँ हमने क्या किया, पोलोनियम का सोर्स, यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल क्या लिए, एमिट किए। तो ये लेड ब्लॉक इसलिए लगाया ताकि रेडिएशन बाकी साइड्स पर, इस साइड पर ना जा सकें, सिर्फ इसी साइड पर क्या हों, मूव करें। तो ये अल्फा पार्टिकल वहाँ से एमिट हुए फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव मटीरियल, कौन सा, पोलोनियम। ये हमने ब्लॉक लिया ब्रिलियम मेटल का, जिसको उसके अंदर रखा। तो जब ये ब्रिलियम मेटल ने के साथ इसने अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, तो वहाँ हमें क्या हुआ, कुछ रेज नज़र आई जिनको नाम दिया बाद में हमने न्यूट्रॉन, और ये चार्ज डिटेक्टर था उसने इसको डिफ्लेक्शन शो नहीं की, यानी कि ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। तो फिर इसी बेस पे हमने उसको क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। अब ये वीडियो देख लें कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ से, पोलोनियम टारगेट से। ये ब्रिलियम की हमने मैप शीट लगाई हुई है, ये जब इस पर स्ट्राइक किए तो ये देखें रेडिएशन इमिट हुई, जिसको नाम दिया हमने न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन रेडिएशन जब ये देखें आगे पास ऑन हुई, और यहाँ हमने डिटेक्टर चैम्बर पे इसको क्या किया, डिटेक्ट किया कि वाकई कोई रेडिएशन इमिट हो रही, तो हमें रेडिएशन इमिट हुई नज़र आई। ये था चैडविक का एक्सपेरिमेंट। दोबारा हीलियम पार्टिकल कहाँ से इमिट किए, जिनको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, पोलोनियम सोर्स से स्ट्राइक करवाया, ब्रिलियम टारगेट से जहाँ से क्या हुआ, नाइट्रो न्यूट्रॉन जो आपके हैं अमिट हुए। डिटेक्टर ने उनको क्या कहा कि दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहले कि जो न्यूट्रॉन है डिके करता है तीन चीज़ों में, प्रोटॉन, कैसे कैसे, ये देखें कि ये आपका न्यूट्रॉन था, ये इसने डिके किया, तो तीन आपके पास चीज़ें निकली, एक दो और ये तीन, डिके ऑफ द न्यूट्रॉन से। एक पे है ई माइनस वन जीरो, पी वन वन, और ये एंटी न्यूट्रिनो, तीन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, डिके ऑफ। तो पहली चीज़ है कि जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो ये देखें ओवरऑल हमने लिखा प्लस वन, ये माइनस वन, तो ओवरऑल नीचे क्या हो गया, ज़ीरो, ये वन था तो ये ऊपर वन रहा, तो ये तीन में डिके हुआ जब हमने न्यूट्रॉन को डिके किया। याद रखना ये क्वेश्चन आ भी जाती है कि वो होल न्यूट्रॉन चेंज इनटू डिफरेंट पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैन आयोनाइज गैस, जैसे पीछे आपके पास रेज थी वो भी आयोनाइज कर सकती थी, तो ये भी क्या करती हैं, आयोनाइज कर सकती हैं। न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है तो ये पेनिट्रेटिंग डिफरेंट शो की हुई है। अल्फा पार्टिकल देखें सिर्फ पेपर स्किन या क्लोथिंग में से गुजर के नहीं गया, ये रुक गया। बीटा पार्टिकल इसमें से पास हो गए लेकिन वुड प्लास्टिक एल्यूमिनियम वगैरह में से रुक गए, जबकि गैमा इसमें से भी पास होके लेड कंक्रीट तक आ गए, लेकिन जो न्यूट्रॉन था वेदर थिक वाटर थिक कंक्रीट। तो अब इसका मतलब है कि इन चारों का अगर कंपैरिजन करें तो न्यूट्रॉन जो है और उसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है गुजर के आगे जाना। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम पैराफीन वाटर पेपर एंड सेलुलोज, कि जब हम इसको इसके ऊपर फाल करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, वहाँ से अमिट हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में आगे है व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा किसके बराबर होता है, 10 की ताकत 6 के, तो उसको कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। जब से इससे बिलो एनर्जी वाले यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उनको कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन। हैं दोनों न्यूट्रॉन स्पीड के लिहाज से, एक का नाम दे दिया फास्ट, दूसरे को हमने कह दिया स्लो न्यूट्रॉन। अब जो स्लो न्यूट्रॉन है यूजुअली मोर इफेक्टिव फॉर देन फास्ट वन फॉर फिशन प्रोसेस। फिशन प्रोसेस क्या होता है,
रेडियो एक्टिव मटेरियल में हम न्यूक्लियस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे न्यूक्लियर फिशन प्रोसीजर का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बनते हैं। अब इसमें जो फास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन, वो इतना रिएक्शन को फास्ट नहीं करते, जबकि जो स्लो हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। When न्यूट्रॉन are used as projectile, they can carry out nuclear reaction. A fast neutron eject an alpha particle from the nucleus of nitrogen atom, and boron is produced. ये देखिए नाइट्रोजन पे हमने बम्बार्डमेंट की न्यूट्रॉन की, तो उससे हमारे पास एक बोरान और ये क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल भी इनको कहते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हीलियम, या इसका मतलब है कि हम अल्फा पार्टिकल अगर प्रोड्यूस करनी है रेडिएशन, तो हम नाइट्रोजन पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द कॉपर मेटल, कॉपर मेटल से स्ट्राइक करें तो गैमा रेडिएशन फिर जनरेट करते हैं। कैसे, कि ये हमने कॉपर लिया 2965 न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, तो ये देखें एच वी कहते हैं गैमा रेडिएशन को, तो इसने गैमा रेडिएशन एमिट की, पीछे अल्फा थी, ये इसने क्या की, गैमा रेडिएशन। और इसी तरीके से जब कॉपर ने फिर दोबारा डिसइंटीग्रेट हुआ जिंक में, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एमिट किए। तो अल्फा बीटा गैमा तीनों रेडिएशन क्या होती हैं, इससे एमिट हो सकती हैं। एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर 65 एंड कॉपर 66 इज प्रोड्यूस्ड। दिस रेडियो एक्टिव कॉपर 66 एमिट एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं बीटा, यानी कि ये इसका नाम हो गया गैमा और ये होगी बीटा, अल्फा पीछे हमने प्रोड्यूस कर लिया, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस बायोलॉजिकल अफेक्ट दे आर बींग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैंसर ट्रीटमेंट में, ये ट्यूमर कैंसर का ये है ब्रेन ट्यूमर, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये शो किया हुआ कि रेडिएशन हम फॉल करवा रहे हैं, तो ये सेल है कैंसर का जिसको ये क्या करेगा, किल कर देगा, गैमा रेडिएशन हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये भी उसी का प्रोसीजर दिखाया है कि न्यूट्रॉन बीम हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ये हमारा मटीरियल है लिथियम और इसके साथ है अल्फा पार्टिकल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरापी हम करते हैं रेडिएशन की, ये है बोरान न्यूट्रॉन कैप्चर थेरापी BNCT, और ये थी ट्यूमर के लिहाज से। तो ये हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल पर्पज़ में इन रेडिएशन को फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं रेडियोथेरापी। एक है कीमोथेरापी और एक है रेडियोथेरापी। कीमोथेरापी केमिकल से करते हैं और जो रेडियोथेरापी है वो हम किससे करती हैं, रेडिएशन के ज़रिए। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन को पढ़ा। थैंक यू।